दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। यो तो हैदराबाद की बहुत सी वीडियो आपने ब्लॉग देखे होंगे, लेकिन कासमाबाद हैदराबाद का कोई ब्लॉग और लतीफाबाद का मुझे नज़र नहीं आया। तो मैंने सोचा कि भाई कासमाबाद जहां हम रहते हैं तो उसका क्यों ना ब्लॉग बनाया जाए। इस वक्त हम मेन कासमाबाद में खड़े हैं, सामने ही पकौड़ा चौक है और इस तरफ आप देखेंगे तो ये मेहरान सेंटर नज़र आएगा आपको। तो आज मौसम बड़ा अच्छा था, इस वक्त धूप निकल आई है तो मौसम अच्छा होने की वजह से मैंने सोचा कि चलो कासमाबाद को जो है हम एक्सप्लोर करते हैं दोस्तों के लिए। अब बादल तो है मगर सूरज निकल आया है, मौसम कदरे बेहतर है। आइए आपको कासमाबाद की सैर करवा। तो अब बिस्मिल्लाह करते हैं और आपको कासमाबाद की आज सैर करवा देते हैं। कासमाबाद मेरे साथ अनीस मेमन साहब हैं और मैं उनसे पूछता जाऊंगा कुछ सवालात। ये मेहरान सेंटर है कासमाबाद का, मेहरान सेंटर ये इस हाथ पे डेरी है, शाहीन डेरी। और अल्लाह भला करे आपका। अब हम जो है चलते हैं वादुआ की तरफ। जश्न ईद मिलादुन्नबी के सिलसिले में कासमाबाद को भी ये आप देखें, अनीस भाई ये देखें, माशाल्लाह से ये यहाँ पे झंडे वगैरह लगा दिए गए हैं और कासमाबाद में भी ये सिलसिला बड़े दिनों के बाद नज़र आया है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये पंप, ये जो पुल है जो अभी आप देखेंगे, ये पूनम पंप के नाम से मेरे ख्याल में मशहूर है। इसके बिल्कुल अपोजिट में, इसके सामने ही जो है रानी बाग है, चिड़ियाघर और ईदगाह से मुत्तसिल है। ये सुई गैस का इलाका है, सुई गैस। ये जो सामने आपको मीनार नजर आ रहा है ये है, अब ये आप बस को गेज करें, ये जो आप देख रहे हैं ये जो मीनार आपने देखा ये ईदगाह का मीनार था। ये पुल जो है कासमाबाद की, ये यहाँ पूनम के नाम से मशहूर है, पूनम पंप। ये सामने पूनम पंप है कासमाबाद का। इसको जो है ये रास्ता जो है सीधा जाता है कासिम चौक की तरफ, जो ऊपर जो रास्ता जा रहा है पुल का। और अब हम जो है वादुआ पे चढ़ चुके हैं। फिर ये हम कासमाबाद के, ये रोड अब बेहतर हो गए हैं, काफ़ी बेहतर हो गए हैं। पहले इन रोडों की हालत बड़ी खस्ता होती थी, कुछ जो है यहाँ पे जो है वो लोगों ने नाजायज़ जो है वो क्या कहते हैं अनीस भाई उसको, इंक्रोचमेंट कर ली थी, तो उसको उसकी भी थोड़ा फोड़ी हुई है, रोड वाइड हो गया है। ये वादुआ जो ये बहुत बड़ी नहर होती थी अब नाले की शक्ल अख्तियार कर गई है। अच्छा सर, ये रोड सीधा जाके कहाँ पे मिलेगा? ये नसीम नगर की तरफ जाएगा, एक रास्ता जाएगा आलमदार चौक की तरफ और एक रास्ता जाएगा लंदन टाउन। ये यहाँ पे दुकानें हैं खाने पीने की, ये इसको थोड़ा सा ले लें आप, और खाने पीने की दुकानें हैं। और अच्छा, ये वादुआ के जो सामने गेट नजर आते हैं बाईपास पे, ये वही रोड है? ये हाँ, आगे जाके हम उसमें मतलब एक यू टर्न आएगा तो उसमें से जो है वो कराची के लिए। बिल्कुल आपने ये बड़ी अच्छी बात कही, ये सीधा जो रास्ता जाएगा वो गेटों की तरफ जाएगा, जहाँ से आपको कराची के लिए बाईपास पे आप चढ़ सकते हैं। वहाँ हर किस्म की सवारी, कोचेस, वैन्स और कारें भी आपको जो ले जा सकती हैं। ये मस्जिद है, बड़ी खूबसूरत मस्जिद है, जन्नतुल फिरदौस मस्जिद कासमाबाद की। और ये फ्रूट की दुकानें हैं यहाँ पे। और तो ये अब हम उस जगह पे, यहाँ पे जीजलमा हॉस्पिटल है, ये इस तरफ मेरे सीधे हाथ पे जीजलमा हॉस्पिटल है। और सामने जो है ये अब मैंने इंडिकेटर दिया, अब हम जा रहे हैं। यहाँ पे भी खाने पीने की बहुत, ये इलाका नसीम नगर का कहलाता है। जी हाँ, ये नसीम नगर का इलाका,
नसीम नगर चौक यहाँ का मशहूर है, और यहाँ पे जो है बिरयानी वगैरह और शीरमाल, नान की दुकानें, सब्जियाँ, फ्रूट, और मतलब ये मसरूफ तरीन इलाका है, मसरूफ इलाका है, और मछली की काफ़ी सारी रेड़ियाँ हैं, मछली की काफ़ी से सारी रेड़ियाँ हैं। गलत इसने मुझे ओवरटेक किया भाई ने, और हम देखें, मुझे अनीस लेना है कीमा, तो उस पे भी नजर रखना। कीमा ये बकरा बैठा हुआ है, मैं सोच रहा हूँ आज कोई बीफ का जो है वो बीफ का यहाँ से मिलेगा, या हमें लंदन टाउन की तरफ जाना पड़ेगा। अच्छा तो वहीं पे मिलता है लंदन, मगर थोड़ा बकोल आपके के टाइम जो है ओवर हो गया है। हाँ तो भाई, अब हम चंद ही लम्हों में अली पैलेस चौक पे पहुँचने वाले हैं। ये वही रोड है यानी के जहाँ से हम चले थे, जिस जगह से हम चले थे, तो ये मेन रोड कासमाबाद है, और ये मेरे उल्टे हाथ पे जो है आप जाएंगे तो उसी जगह पहुंच जाएंगे, यानी के पुल पे, पूनम पंप पे, ईदगाह पे, रानी बाग पे, और ये जो सीधा रास्ता जा रहा है ये लंदन टाउन से होता हुआ कोटड़ी हुसैनाबाद की तरफ ये रास्ता आपको ले जाएगा, वहाँ से आपका दिल करे ठठे जाएं, जहाँ आपका दिल चाहे जा सकते हैं। ये भी बड़ा मशरूफ रोड है, और यहाँ पे भी छोटे छोटे रेस्टोरेंट हैं, ये एक रेस्टोरेंट है, और डॉलर शॉप है जहाँ से $1 जो कि किसी ज़माने में हम आए थे तो 100 रुपए की ये चीज़ मिलती थी, $1, तो अब तो डॉलर भाई 300 रुपए का हो गया है, तो वही चीज़ जो 100 रुपए की मिलती होगी वो मेरे ख्याल में अब 300 रुपए की मिलती होगी। आपका क्या ख्याल है? अच्छा, यहाँ पर जितनी भी ये ट्रैफिक देख रहे हैं स्कूल की वजह से, हाँ, ज्यादा है इस तरफ। हाँ, ये बड़े बड़े स्कूल्स जो हैं, बेकन हाउस और ये बड़े बड़े स्कूल हैं, और इस वक्त ये जितनी भी ये आप कारें गाड़ियाँ देख रहे हैं ये बच्चों को लेने के लिए आई हुई हैं, 2-3 स्कूल हैं, और अल्लाह आपको नेकी दे। तो दोस्तों, ये हम तकरीबन 600 रुपए का पेट्रोल अपना खर्च करके यहाँ खास कर आए कीमा लेने के लिए। कीमे वहाँ मेरी तरफ भी मिल रहे थे, मगर यहाँ का कीमा सुना है कि कुछ बेहतर है, प्रेशर व्रेशर नहीं मारते ये लोग, तो कीमा लेने के लिए हम इतनी दूर चल के आए हैं। अब देखें, खाएंगे तो पता पड़ेगा। दोस्तों, हमने कीमा लिया, लेकिन रास्ते में बहुत रश थी स्कूल की वजह से, इस वजह से हमने अपना रास्ता चेंज किया, गोल मस्जिद वाला रास्ता लेके हम आ रहे हैं। अब थोड़ी देर में हम पकौड़ा चौक, जो कि कासमाबाद का मशहूर चौक है, पकौड़ा चौक, उसका नाम पकौड़ा चौक रखा गया। देखते हैं वहाँ पकौड़े की एक दुकान तो है तो सही, मगर वो इतनी मशहूर नहीं है, इतनी मशहूर नहीं है। और अब कासमाबाद के मेन रोड पे, जहाँ से हम चले थे वहाँ पे हम कुछ देर में पहुँचेंगे, लेकिन अब ये सामने जो है पकौड़ा चौक स्टार्ट जो ये शुरू हो गया है, और ये जो है पकौड़ों की एक ही दुकान है ये कोने पे, अगर हमारे कैमरामैन इसको कैप्चर कर सकें तो, यहाँ पे एक ही दुकान है, यहाँ पे किराने की बहुत सी दुकानें हैं, इलेक्ट्रिशियंस हैं, प्लम्बर्स बैठते हैं यहाँ पे, रंग की दुकान है, लेकिन क्या कहना चाहिए, ये यहाँ कासमाबाद की मशहूर आसिम क्लिनिक भी यहीं पे, ये भी बहुत पुरानी और मशहूर क्लिनिक है। रोड के दोनों अतराफ में आपको नज़र आ रहा होगा कि खूब है, हालांकि आज जुम्मा है, उसके बावजूद ये यहाँ पे काफ़ी सारा रश है, बल्कि यहाँ 24 घंटे रश लगता है, माँ सिवाय रात के 12 बजे के बाद मेरे ख्याल में रश कम होता है। तो यहाँ पे हर किस्म की आपको
रेस्टोरेंट मिल जाएगा, हेयर ड्रेसर आपको मिल जाएगा। गर्ज ये कि ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़, बैंक्स वगैरह, TCS के और लेपर्ड्स के जो हैं ये दफातर हैं यहाँ पे, और जितने भी अपने ये जो हैं इंटरनेट के जो हैं ये सब चीज़ें यहाँ पे। लेकिन हमें जो है वो काफ़ी दूर जाना पड़ा वो लेने के लिए भी, एक बड़े का गोश्त कीमा जो कि शीदी गोट में मिलता है और यहाँ भी मिलता है। लेकिन मुझे मेरे दोस्त भाई अनीस ने सलाह दी कि नहीं सही, यहाँ से नहीं ले आप, और वहाँ का मशहूर है और वाकई जो है वो बहुत देखने में बहुत ही अच्छा। तो भाई हम वहीं से वहीं पहुँच गए हैं जहाँ पे हमने शुरू किया था अपना सफ़र, कासिमाबाद का ये छोटा सा। तो अब हम आपसे नए ब्लॉग तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।